दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से फोन पे से किसी भी मोबाइल नंबर को कैसे रिचार्ज कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे पता है कि आप में से बहुत ही सारे लोगों को फोन पे से रिचार्ज करने नहीं आता है, इसीलिए मैं आप सभी के लिए आज ये वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से फोन पे से अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। साथ ही जो वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन दिखेगा उस पे क्लिक करके हमारे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही घंटी वाले बटन पे क्लिक करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, मैं आप सभी के लिए डेली यहाँ पे नई नई वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो का करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, फोन पे से मोबाइल रिचार्ज करने के लिए सबसे पहले फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करना है। फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद मोबाइल रिचार्ज करने के लिए आपको मोबाइल रिचार्ज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। तो आप जिस भी मोबाइल नंबर का रिचार्ज करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए यहाँ पे क्लिक करना है, और उसके बाद वो वाला मोबाइल नंबर डाल देना है जिस पर आप रिचार्ज करना चाहते हैं। तो चलिए हम एक कोई भी मोबाइल नंबर डाल देते हैं। तो जैसे कि मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दिया है, अब सिंपली सा डन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है, उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ऑपरेटर को चूज कर लेना है कि आपका नंबर किस ऑपरेटर का है। तो मेरा नंबर जियो का है, तो मैं जियो को चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है कि किस स्टेट में आपने अपना नंबर लिया था। तो मेरा बिहार एंड झारखंड है, तो मैं इसको चूज कर लूंगा। चूज करने के बाद आपको यहाँ पे प्लान देखने को मिल जाएगा। आप जिस भी प्लान से रिचार्ज करना चाहते हैं उस प्लान को चूज कर लेना है। तो मैं आपको सिंपली सा 11 रुपये का डाटा रिचार्ज करके दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मैं डाटा एड 1 पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद 11 रुपये के प्लान को चूज कर लेता हूँ। चूज करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट मेथड चूज कर लेना है। UPI से पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, किसी भी ऑप्शन को चूज कर लेना है। तो जैसे कि मैं UPI को चूज कर लिया हूँ, और UPI में जितना भी बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे आ चुके हैं। या तो फिर आप यूज अदर UPI ID पर क्लिक करके किसी और के UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो हम अपने बैंक अकाउंट को चूज कर लिए हैं। उसके बाद रिचार्ज के ऊपर क्लिक करते हैं। रिचार्ज के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अपना UPI पिन डाल देना है। तो चलिए हम अपना UPI पिन डाल के आपको रिचार्ज करके दिखाते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं 11 रुपये का रिचार्ज सक्सेसफुल हो चुका है। तो आप इस तरह से बहुत ही आसानी से फोन पे से मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सीख लिए होंगे फोन पे से कैसे मोबाइल रिचार्ज किया जाता है। सीख लिए है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।